हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोबल हेल्थ। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यूरिक एसिड के बारे में, मतलब गठिया गाउट के बारे में। यूरिक एसिड अगर आपके शरीर में ज़्यादा हो जाएगा तो वो जॉइंट में जा कर के जमा हो जाता है, जो एक तरह का क्रिस्टल फॉर्म करता है। इस क्रिस्टल के वजह से जॉइंट फूल जाती है और बहुत सीवियर पेन होता है। तो यूरिक एसिड अगर आपके ब्लड में बढ़ जाएगा तो ये कंडीशन हो सकता है जिसकी वजह से सीवियर पेन होता है। लेकिन यूरिक एसिड नहीं हो, इसके लिए आपको क्या क्या खाना चाहिए, इसके बारे में आज हम बताएंगे। यूरिक एसिड अगर नहीं हो, इसके लिए सबसे पहला है कि आप ग्रीन टी पिए। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट भर भर के होता है और एक केमिकल होता है जिसका नाम है कैटीचिन। कैटीचिन एक केमिकल है जिसके वजह से यूरिक एसिड कम होता है। इसको पीने से यूरिक एसिड ठीक हो सकता है। दूसरा, बेरीज, बहुत सारी बेरीज हैं, इसको खाएं तो आप, बेरीज़ में बहुत ऐसा कंपाउंड है जो यूरिक एसिड को कम करता है। तीसरा है फाइबर, जिसमें ज़्यादा हो, जिस सब्जी में, जिस फ्रूट्स में, उसको खाएंगे तो आपका यूरिक एसिड कम होगा। जैसे गाजर हुआ, खीरा हुआ, इसमें फाइबर्स होते हैं, इसको खाएंगे। ब्रोकली हुआ, इसमें भी फाइबर होता है, इसको खाएंगे तो आपका यूरिक एसिड कम होगा। उसके बाद कॉफ़ी जो है वो हार्ट के लिए उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन यूरिक एसिड को ये कम करने में बहुत मदद करता है। तो कॉफ़ी पिए, ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक पिए, पानी पिए। पानी पीने के वजह से आपका यूरिक एसिड कम हो सकता है। उसके बाद बेरी है, बहुत सारा बेरी है, जो ब्लैक बेरी खासकर देखेंगे यूरिक एसिड को कम करने में बहुत मदद करता है। तो ये जान लीजिए, ये सब चीज़ खाने से, बहुत सारी सब्जियाँ जो हैं आपको यूरिक एसिड को बढ़ाता है, जैसे बंधा गोभी हुआ, जैसे पालक का साग हुआ, लेकिन मटर हुआ, लेकिन कुछ सब्जी है जिसमें ब्रोकली है, खीरा है, गाजर है, ये आपके यूरिक एसिड को कम करने में मदद करता है। तो इसको आप अच्छे से खाइए, जो आपके यूरिक एसिड को कम रखेगा और हेल्दी रहिए। और बहुत सारे लोगों को ये जो वीडियो है इसको शेयर करिए। अगर जिनको यूरिक एसिड है, अगर ये सब चीज़ डाइट को फॉलो करेंगे तो उनका यूरिक एसिड खुद ब खुद कम होगा और वो हेल्दी रहेंगे। थैंक यू।